हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस कैसे हैं दोस्तों आप लोग? होप करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बाइक व्हील में। तो गाइस आज हम आए हुए हैं होंडा के शोरूम और आपके सामने प्रेजेंट है द ऑल न्यू 2022 की होंडा एक्टिवा 6G प्रीमियम एडिशन, जो कि न्यू कलर्स और गोल्डन फिनिश के साथ आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं। ऑल अबाउट इसके आप स्टील रिम्स देख सकते हो, जिसमें आपको गोल्डन के फिनिश मिल जाएंगे देखने के लिए। और ये न्यूली कलर है जो कि आपका मैट ग्रीन मेटालिक कलर में प्रेजेंट है, जो कि अभी तक का मुझको सबसे अच्छा कलर लगा एक्टिवा की तरफ से आने वाली। यहाँ पर आपको कंपनी 3D में एक्टिवा लिखा हुआ प्रोवाइड कर देती है गोल्डन फिनिश के साथ, और इसमें आपको प्रीमियम भी लिखा हुआ मिल जाता है जो कि स्टिकर में। तो बेसिकली आज का जो वीडियो है वो गाइस इसके न्यू चेंजेस के ऊपर होने वाला है। ऑल अबाउट इसके प्राइसिंग के बारे में आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। सबसे पहले आपका भाई आपको प्राइस ही बताएगा, क्योंकि अधिकतर लोग सबसे पहले प्राइस ही जानना चाहेंगे, उसके बाद ही वो वीडियो को आगे देखेंगे। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले आपको प्राइस बता देते हैं। तो गाइस ये जो प्रीमियम एडिशन है इसका एक्चुअल प्राइस स्टार्ट होता है 78,042 रुपीस, और जो ऑन रोड प्राइस है वो सिटी टू सिटी वेरी करता है। हमारे सिटी में इसका ऑन रोड प्राइस चल रहा है 93,045 रुपीस। तो हाँ गाइस, इसका जो स्टैंडर्ड और डेलक्स वेरिएंट आता है उससे इसका जो प्राइस है थोड़ा सा आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलने वाला है। बाकी ऑल अबाउट इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में जान लो और ऑल अबाउट क्या चेंजेस है उसके बारे में एक बार सुन लो, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये स्कूटी आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होगी कि नहीं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ देख लो, सामने का जो ऑल ओवर लुक है एकदम सेम रखा है कंपनी ने, बट यहाँ पर आपको जो लाइट मिलती है वो LED हेडलाइट सेटअप मिल जाता है। कलर न्यू है, सबसे अच्छा कलर मुझको ये मैट ग्रीन मेटालिक लगा। आपका मुझे जरूर बताना आपको ये तीनों में से कौन सा कलर अच्छा लगा। बाकी यहाँ पर जो आपको टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं वो बल्ब में देखने के लिए मिल जाते हैं, यहाँ पर LED का वर्क नहीं किया गया है। ऑल ओवर फ्रंट का जो फेंडर आप देख रहे हो, फ्रंट का सेक्शन आप देख रहे हो यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको ऊपर की ओर इनबिल्ट क्रोम का भी फिनिश मिल जाएगा हेडलाइट के ऊपर साइड में। यहाँ पर आपको मिल जाती है होंडा की ब्रांडिंग गोल्डन फिनिश के साथ। साइड में भी यहाँ पर आपको गोल्डन का फिनिश मिल जाएगा देखने के लिए, विद ब्राउन कलर के साथ भी दिख जाएगा। यहाँ पर आपको नंबर प्लेट लगाने का प्लेसमेंट, एक चीज़ कॉमन मेरे को लगी, ये जो ब्राउन कलर का यूज़ किया गया है ये इसके सीट कवर, आपके जो फुट एरिया है वहाँ पर भी इसका यूज़ किया गया है, तो वो चीज़ अच्छी लगी कलर कॉम्बिनेशन। बाकी नीचे की ओर आपको मडगार्ड दिख रहा होगा, तो ये सब आपको मेटल में देखने के लिए मिलता है, फाइबर का वर्क नहीं है। बाकी यहाँ पर आपको रबर गार्ड का यूज़ किया गया है, वो रस्टिंग से बचेगी। ऑल अबाउट यहाँ पर अगर बात कर ले इसके टायर सेक्शंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको टायर सेक्शन मिल जाता है 90x90 का, और 12 इंचेस के आपको स्टील रिम्स देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर आपको जो ब्रेकिंग मिलती है वो मिलती है कॉम्बी ब्रेक सिस्टम। रिफ्लेक्टर देख लो, राइट टू लेफ्ट दोनों ही तरफ आपको दो रिफ्लेक्टर्स मिल जाती हैं राउंड शेप में ऑरेंज कलर में, और सस्पेंशन आपको टेलीस्कोपिक देखने के लिए मिलता है, तो ये आप देख सकते हो। बाकी ये जो स्टील रिम्स है ये गोल्डन फिनिश के साथ आपको देखने के लिए मिलती है, तो ऑल ओवर जो लुक्स हैं वो थोड़े से और ज़्यादा प्रीमियम लगने लगते हैं। बाकी ऑल ओवर फ्रंट का सेक्शन एकदम सेम है, एक्टिवा की पहचान आपको फ्रंट सेक्शन से ही पता चल जाएगा। तो ये तो बात होगी फ्रंट के बारे में दोस्तों, अब आपको बता देते हैं एक बार रेयर के बारे में। रेयर का लुक देख लो, रेयर का लुक इसका कंप्लीट ह्यूज साइज ग्रैबरिल देख सकते हो, जो कि बहुत ही बड़ा ग्रैबरिल आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी जो लॉक सिस्टम एकदम सेम रखा है कंपनी ने, यहाँ कोई भी न्यू अपडेट नहीं है। यहाँ पर आपको फ्यूल और आपका सीट दोनों यहीं से खुल जाएगा, तो फ्यूल पीछे की ओर आपको मिल जाता है जो कि पहले आपको सीट के अंदर मिलता था, तो ये एक अच्छी चीज़ है, आपको उतर के खोलना नहीं पड़ेगा। बाकी जो फ्यूल कैपेसिटी मिलती है वो मिलती है आपको 5.3 लीटर्स की। बाकी नीचे की ओर देख लो, टेल लैंप मिल जाता है, और इंडिकेटर्स जो मिलते हैं वो सब आपको बल्ब में ही देखने के लिए मिलते हैं, रिफ्लेक्टर, नंबर प्लेट लगाने का प्लेसमेंट, और यहाँ पर आपको एक्टिवा लिखा हुआ मिल जाता है गोल्डन कलर के साथ विथ 3D, और प्रीमियम में आपको स्टिकर का ब्रांडिंग देखने के लिए मिलता है। बाकी ESP का टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया, यहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी मिल जाती है, किक मिल जाता है, सस्पेंशन आपको मिल जाती है, 3-स्टेप हाइड्रोलिक सस्पेंशन कंपनी आपको प्रोवाइड कर देती है। बाकी डिस्प्लेसमेंट आपको मिल जाती है 109.51 cc का, फैन कूल है, 4-स्ट्रोक है, सिंगल सिलेंडर BS6 में है, रेयर टायर सेक्शन आपको मिल जाता है 90x100, और 10 इंचेस के आपको स्टील रिम्स देखने के लिए मिलते हैं, तो ये आप लोग देख लो। बाकी उधर साइड से आपको दिखा देते हैं इसका एग्जॉस्ट का स्टाइल एकदम सेम है, आप देख सकते हो एकदम सेम एग्जॉस्ट स्टाइल आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी ऊपर का जो कवर मिलता है वो मेटल में मिलता है, फैन यहाँ पर लगा रहता है, यहाँ पर आपको अंदर की ओर जो फैन मिलता है वो वाइट कलर में देखने के लिए मिलता है। फुटरेस्ट ब्लैक कलर्स में है, यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों ही, मतलब तीनों ही आपको जो भी कलर्स मिल रहा है कलर में, फ्यूटरेस्ट में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया, बट यहाँ पर सीट रेस्ट और आपका जो लेग रूम एरिया बना हुआ है आगे की ओर वहाँ पर हल्का फुल्का आपको ब्राउन कलर देखने के लिए मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अलग, मतलब यूनिक स्टाइल लग रहा है थोड़ा। बाकी यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर आपको सीट भी खोलने का ऑप्शन मिल जाता है, तो आई थिंक इससे खुल नहीं रहा है, दूसरे वाले में दिखाता हूँ, इसमें ईजिली खुल जा रहा है, तो ये खुल गया आप देख सकते हो। बाकी कोई भी न्यू अपडेट नहीं है गाइज, वही आपको सब इसके टूल्स देख लो यहाँ पर मिल जाते हैं, ज़्यादा कोई टूल्स भी नहीं है। यहाँ पर आपको एक फर्स्ट एड बॉक्स मिल जा रहा है, बाकी कोई भी USB पोर्ट या एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ नहीं है, बट हाँ एक ह्यूज साइज़ आपको साइज़ मिल जाता है, जिसमें एक हेलमेट तो ले ही जा सकते हो, बाकी और कोई भी न्यू अपडेट नहीं है, तो जो क्लियर है भाई वही बता रहा हूँ दोस्तों। बाकी यहाँ पर देख लो,
एरिया जो आपको मिलता है, आपको बैठ के दिखा देते हैं। लेग रूम एरिया अच्छा खासा मिल जाता है, इजीली आप बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी यहाँ पर कोई ग्लव बॉक्स भी नहीं है, एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। बाकी यहाँ पर आपको हुक्स मिल जाते हैं नीचे के ऊपर की ओर, और आपके शॉपिंग हुक्स आप बोल सकते हो, उन्हें कुछ भी ले जाना हो टांग के वो ले जा सकते हो। बाकी जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है यहाँ पर भी कोई अपडेट नहीं है दोस्तों, एनालॉग में ही आपको देखने के लिए मिल रहा है। स्विचेस की क्वालिटी भी एकदम सेम है, यहाँ पर आपको इंजन ऑफ स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है देखने के लिए, और यहाँ पर आपको सेम स्टाइल आपका जो की सिस्टम था वो मिल जाता है। यहाँ पर की भी एकदम वही स्टैंडर्ड वाली ही आपको देखने के लिए मिल रही है, की में भी कोई अपडेट नहीं किया गया है। बाकी जो चीज़ में अपडेट था वो तो आपने देख ही लिया होगा, जो भी इसके आउट में आपको दिख रहा होगा, जो कि क्रोम का फिनिश के जगह आपको गोल्डन फिनिश देखने के लिए मिल रहे हैं बस। और यहाँ पर अगर बात कर लें कलर्स के बारे में, तो कलर्स के नेम्स बता देता हूँ। जो रेड कलर है उसका जो ऑफिशियल नेम है वो है मैट रेड मेटालिक। बीच में आपको ब्लू कलर है, ब्लैक में समझना, वो ब्लू कलर में प्रेजेंट है। और लास्ट में आपका है मैट ग्रीन मेटालिक कलर। तीनों ही कलर्स अट्रैक्टिव लग रहे हैं, प्राइसिंग के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा लगा, लेकिन फीचर्स अगर थोड़े से और होते, लाइक यूएसबी पोर्ट सबसे नेगेटिव पॉइंट मुझको लगा है। आजकल हर एक बाइक हर एक स्कूटी में आपको यूएसबी पोर्ट देखने को मिलता है, बट एक्टिवा इतनी लेजेंडरी स्कूटी में अभी भी यूएसबी पोर्ट कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं कर रही। ऊपर से ये प्रीमियम एडिशन है तो होपफुल इसमें तो देना ही चाहिए था। ऑल अबाउट फ्रंट में एक और चीज़ की कमी लगी मुझको, जो कि थी ग्लव बॉक्स। अगर कोई भी अगर एमरजेंसी हुआ, लाइक पानी आने लगा रेनिंग में, तो आप जल्दी से ग्लव बॉक्स के अंदर अपना फ़ोन रख सकते हो। बट अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रीमियम एडिशन को लेने के बाद उतर के सीट खोलना पड़ेगा, देन आपको अपना फ़ोन रखना पड़ेगा। बट होपफुली अगर आपको ये स्कूटी, ये प्रीमियम एडिशन पसंद आया, तो होपफुली आप ले सकते हो। शोरूम के डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। और अगर बात कर ले इसके पावर डिलीवरी के बारे में गाइस, तो इसका मैक्सिमम पीएस आपको मिल जाता है 7.76 पीएस, जो कि 8000 आरपीएम मिलता है। टॉर्क मिल जाती है 8.84 एनएम, जो कि आपको 5500 आरपीएम में देखने के लिए मिलती है। गाड़ी का अगर डायमेंशंस के बारे में बात कर ले दोस्तों, तो गाड़ी का लेंथ आपको मिल जाता है 1833 एमएम का। सीट लेंथ आपको मिल जाती है 692 एमएम की। वाइडनेस मिल जाती है 697 mm की। हाइट मिल जाती है 1156 mm का। ग्राउंड स्पेस आपको मिल जाता है 162 mm की। गाड़ी का टोटल कवेट आपको मिल जाता है 106 kg का। बाकी होपफुली गाइज ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक एक कमेंट जरूर करना, और चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय एंड टेक केयर।